वेलकम व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले आते हैं टू हाई रोलिंग मिल्स. टू हाई रोलिंग मिल्स में क्या है कि दिस टाइप ऑफ रोलिंग मिल्स कंसिस्ट ऑफ टू रोल्स रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं. ओके, बिल्कुल इस तरह से ये दो रोल हुआ, ये हमारा वर्क पीस हुआ और ये डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. रोल डायमीटर जो है वो वैरी करेगा हमारा 0.6 to 1.4 meter. अब ये जो टू हाई रोलिंग मिल है वो या तो रिवर्सिंग हो सकता है या तो नन रिवर्सिंग हो सकता है. नन रिवर्सिंग मिल जैसे कि है रोल रोटेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन एंड द स्लेव ऑलवेज मूव फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट. ओके, रिवर्सिंग मिल, रिवर्सिंग मिल में हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोल रोटेशन इज रिवर्स, यानी रोल का रोटेशन जो है वो रिवर्स हो सकता है आफ्टर ईच पास. ओके, सो दैट द स्लैब कैन बी पास थ्रू इन बोथ द डायरेक्शन. ओके, या दैट मीन्स यहां से निकले फिर से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर से फिर इससे पास करेगा रोलर से. ओके, दिस परमिट्स ए कंटिन्यूस रिडक्शन टू बी मेड थ्रू द सेम पेयर ऑफ रोल्स. यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं टू हाई रोलिंग मिल, ये जो है दो रोलर है जिसकी वेलोसिटी क्या है वी आर से डिनोट किया गया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोल हो रहा है. ठीक है, वर्क पीस जो है जिसे हम बिलेट कर रहे हैं उनकी एंट्री वाला जो वेलोसिटी है वी नॉट से दिखाया गया, जब एग्जिट वाला वी एफ से दिखाया गया. ओके, थ्री हाई रोलिंग मिल, आप यहां फोटो में देख रहे हो तीन रोल है तो तीन, थ्री हाई रोलिंग दो रोल है तो टू रोल. ओके, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड थर्ड है, ओके, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, जबकि जो सेकेंड वाला रोलर है इसका डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो जा रहा है. ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा. ओके, यहां पर जो हमारा वर्क पीस है बिलेट वो आप देख रहे हो कि एग्जिट हो रहा है, फिर यहां से अगेन ये जो टू रोल है, ठीक है, उसके बीच में ये एंट्री कर रहा और यहां से ये एग्जिट हो रहा है. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इन दिस केस देयर आर थ्री रोल्स वन अबव द अदर एट ए टाइम फॉर सिंगल पास टू रोल विल बी यूज्ड. ओके, सिंगल पास में दो ही रोल यूज हो रहा है. द रोल डायरेक्शन विल नॉट बी चेंज्ड इन दिस केस. नेक्स्ट, द टॉप टू रोल्स विल बी यूज फॉर फर्स्ट डिरेक्शन एंड द सीट इज शिफ्टेड टू द बॉटम टू रोल्स एंड फर्दर डिरेक्शन इज डन. आप देख सकते हैं यहां पर दिस साइकिल इज कंटिन्यूड टिल एक्चुअल डिरेक्शन इज अटेंड. ओके, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इस रोलिंग मिल का, यही कि इसमें की ऑटोमेशन की जरूरत है. ओके, डिसएडवांटेज ऑटोमेटेड मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द स्लैब. फोर हाई रोलिंग मिल नेक्स्ट है. आप फिगर में देख सकते हो यहां पर चार रोलर का यूज किया गया है. ठीक है, ये जो दोनों रोलर है जो कॉन्टेक्ट है हमारे बिलेट से वो स्मॉल है और जो स्मॉल के ऊपर कॉन्टेक्ट है वो आपका बड़ा रोलर है. ठीक है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल रोल्स फॉर थिकनेस रिडक्शन एंड टू लार्ज बैकिंग रोल टू सपोर्ट द स्मॉल रोल्स, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो. ठीक है, द स्मॉल रोल विल रिड्यूस द रोल फोर्स रिक्वायर्ड एज द रोल सीट कॉन्टेक्ट एरिया विल बी रिड्यूस्ड. द लार्ज बैकिंग रोल्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऑफ स्मॉल रोल्स When seat passes between them, okay? आप इस फिगर में देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है क्लस्टर रोलिंग मिल. क्लस्टर रोलिंग मिल्स में क्या है, यहां पर भी क्या है, दूर जो रोलर है स्मॉलर रोलर उसको यूज किया गया है किसके लिए, रोलिंग पर्पज के लिए, और ये जो स्मॉल रोलर है उसको इलास्टिक डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए यहां पर देख रहे हैं आप कि एक नहीं, ओके, क्लस्टर में यानी कि दो से ज्यादा आप यहां पर रोलर को यूज किया जा रहा है ताकि यहां पर जो इलास्टिक रिफ्लेक्शन उसको रोक सके. ठीक है, यानी कि स्मॉल रोलर्स को ये सपोर्ट कर रहा है लार्ज रोलर.
नेक्स्ट हमारा है टैंडम रोलिंग मिल। टैंडम रोलिंग मिल दिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रोलिंग स्टेशन। कितने ऑर्डर में? 8 to 10। ओके, इन ईच स्टेशन थिकनेस रिडक्शन इज गिवेन टू द सीट। 1, 2, 3 इस तरह से ये कितना 8 to 10 हो सकता है। और हर एक रोलर से जो पास होगा तो सीट का रिडक्शन क्या होगा? रिड्यूस होगा। सॉरी रिडक्शन नहीं, थिकनेस रिड्यूस होगा। विथ ईच रोलिंग स्टेशन द वर्क वेलोसिटी इंक्रीजेस। दैट मीन्स V1 से ग्रेटर देन V1 होगा, V1 से ग्रेटर देन V2, V2 से ग्रेटर देन V3। ये क्या होगा? आपके वर्क की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज फुल्ली यूज इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ कंटिन्यूस कास्टिंग ऑपरेशन। दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इन फ्लोर स्पेस, शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारा है थ्रेड रोलिंग। ओके, थ्रेड यानी सिलिंड्रिकल जो पार्ट्स है जिसको हम कह सकते हैं जो ब्लैंक हमारा है। ओके, इसके सरफेस पे थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए दो डाई यानी फिक्स डाई एक मूवेबल डाई है जिसपे कि हमारा यहाँ पर थ्रेड्स बना हुआ है, उसके बीच में क्या करेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट्स को रख करके रोल किया जाएगा। ठीक है, तो आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पर जो फिनिश पार्ट होगा उस पर क्या होगा? थ्रेड्स क्रिएट होगा। थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए जो रोलिंग कीजिएगा सिलिंड्रिकल पार्ट्स में वो हमारा होगा थ्रेड रोलिंग। यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेड रोलिंग इज यूज टू क्रिएट थ्रेड्स ऑन सिलिंड्रिकल पार्ट बाय रोलिंग देम बिटवीन टू डाइज। इट इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडेड पार्ट्स लाइक बोल्ट एंड स्क्रू। ओके, ये हमारा रिंग रोलिंग है। नेक्स्ट, ओके, रिंग रोलिंग में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा रिंग मतलब है, ठीक है, इसका थिकनेस जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब कह सकते हैं ये थिक है। ओके, साथ में ये जो डायमीटर है इंटरनल डायमीटर रिंग का वो स्मॉल है। तो मेनली इस रोलिंग में क्या किया जाएगा, ये जो आप देख रहे हो एंडिंग रोल और ये लास्ट में आप देख रहे हैं कि मेन रोल है, ठीक है, इसके हेल्प से इस मतलब रिंग को क्या किया जाएगा, इसके डायमीटर को लार्ज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, साथ में जो थिकनेस जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस। किसके थ्रू? रोलर के थ्रू। तो ये हमारा रिंग रोलिंग है जिसमें कि स्मॉल डायमीटर को लार्ज डायमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा रिंग का, साथ में उसकी जो वाल की थिकनेस है उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है रोलर के थ्रू। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, बॉल एंड रोलर बियरिंग स्टील टायर्स फॉर रेल रोड। ओके, रिंग फॉर पाइप्स प्रेशर वेसल्स एंड रोटेटिंग मशीनरी के लिए हम लोग रिंग रोलिंग का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।